हेलो फ्रेंड, सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और देखिए फ्रेंड, आज थी नवरात्रि घर में, तो हमने मम्मी ने जल्दी से किचन में आकर पहले से अठवाई बना ली थी सारी पूजन के लिए, और साथ ही साथ भोजन की भी तैयारी हो रही थी फ्रेंड। तो सबसे पहले तो मैंने अठवाई सेकना चालू किया, मम्मी ने अठवाई बेल दी थी और मैंने कुकर में आलू चढ़ाए, आटा मारा, हलवा बनाया और सब करके हम आ गए देवी जी के मंदिर। ये हमारा शीतला माता मंदिर है, यहीं पर हम हमेशा आते हैं और देवी जी को अठवाई चढ़ाते हैं, अष्टमी पूजन करते हैं। तो देखिए हमारी देवी जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। तो बिल्कुल अच्छी किस्मत से मैं ऐसे समय पे आई आज कि यहाँ मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी और बहुत अच्छे से मैंने पूजा कर ली थी माता की। और देखिए मैं आपको कलश जवारे के भी दर्शन करवा देती हूँ। तो ये यहाँ अंदर देखो फ्रेंड, यहाँ पर इसी फ्रेंड यहीं पर जवारे बोते हैं सभी लोग। ये देखिए माता रानी भी विराजित हैं यहीं पे। तो ये सब लोग अपने अपने जवारे अपने बच्चों या किसी के नाम का जिसको भी सब बुवा देते हैं यहाँ पे जवारे। बेटा है तो प्रणाम कर रहा था, तो मैं आज मम्मी नहीं आई थी मेरे साथ, तो मैं अपने हस्बैंड इनके साथ और बेटे के साथ आ गई थी, क्योंकि मम्मी को आज अच्छा नहीं लग रहा था ना फ्रेंड, तो मम्मी नहीं आई थी। तो देखिए सब सामान मैं वापस ले आई थी, मेरी पूजा हो गई थी, ये भी बैठे थे और मैंने सारा सामान पैक करा अच्छे से अपना और वापस से आ गई थी। मुझे हनुमान मंदिर भी आना था, तो मैं दूसरे मंदिर भी आ गई थी यहाँ प्रसाद चढ़ाने हनुमान जी के मंदिर में। तो यहाँ भी मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया भोग लगाने के लिए, पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाया और हम लोग वापस पूजा करके देवी जी को प्रणाम करके भोग लगा के वापस से घर आ गए थे फ्रेंड। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ फ्रेंड। जय माता दी, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही प्रार्थना है देवी माँ से। जय माता दी फ्रेंड।